नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के कई जिलों की हवा हुई जहरीली, बड़ी जानकारी। और ऐसे में सोनीपत में आफत बना प्रदूषण। पार्क में घूमने आने वाले लोगों की घटी तादाद और लोगों को हो रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, बड़ी जानकारी। अस्पताल में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या, प्रदूषण बढ़ने से सांस और टीबी रोगियों की संख्या बढ़ी है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में जहरीली हुई हवा और ऐसे में सोनीपत में आफत बना प्रदूषण। पार्क में घूमने आने वाले लोगों की तादाद घट गई है और ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग प्रदूषण की चपेट में आ रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में इसका असर अब हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ कविता जुड़ चुकी है। कविता, हरियाणा के कई जिलों में हवा जहरीली हो गई है, प्रदूषण का स्तर जो है वो बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच गया है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण का स्तर तो लगातार बढ़ ही रहा था और अब हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सोनिया, आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि लगातार जो है हरियाणा प्रदेश की हवा जहरीली होती जा रही है और स्थिति अब यहाँ पहुंच गई है कि सोनीपत सहित हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर हवा के कारण जो है लोग अब घरों में दबकने को मजबूर हो गई है और जीटी रोड बेल्ट पर हालात बदतर होते जा रही है। आलम यह है कि जो सड़कें जो कि दिन भर जो लोगों से भरी रहती थी, पार्क जो सुबह सुबह लोग घूमने के लिए आते थे, अब वो वीरान हो चुकी है, सड़कें सुनसान पड़ी है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने लोगों से बात की है, लोगों का कहना है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आंखों में जलन हो रही है और जो दमा और टीबी के जो मरीज हैं उनके लिए जो ये प्रदूषण का जो बदलाव हुआ है उससे लोगों की टेंशन बढ़ गई है। लोग बीमारियों की लगातार चपेट में आ रही है और सोनीपत में सामान्य अस्पताल की ओपीडी की बात करें तो 2000 से पार ओपीडी जा रही है, यानी कह सकते हैं कि जो हवा है वो लोगों के लिए अब खतरनाक होती जा रही है और लोग बेहद परेशान हैं। जी कविता शर्मा, अगर बात की जाए तो लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बच्चे और बुजुर्गों की अगर बात की जाए तो वो प्रदूषण की चपेट में आ रहे हैं, जिससे मरीजों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए सोनिया, सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों को हो रहा है। छोटे बच्चे जो इस मौसम में बाहर निकलते हैं वो लगातार बीमारियों की चपेट में आ रही है, बुखार, खांसी, जुकाम और जो दूसरी बीमारियां हैं वो उसको चपेट में ले रही है। ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों को हिदायत दे रहा है कि खराब मौसम में बुजुर्ग जो कि सुबह शाम घूमने के लिए निकलते हैं वो इस मौसम में अवॉइड करें। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनको जो है ज्यादा एहतियातन बरतने की सलाह स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही है और किसी भी तरह का बुखार आने पर तुरंत उसका चेकअप जो है अस्पताल में जाकर कराएं, इसकी सलाह जो है वो डॉक्टर द्वारा दी जा रही है और स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है वो पूरे मामले पर निगरानी बरते हुए है। वही प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी लगातार ये दावे कर रहा है कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए निगरानी कमेटी का गठन किया गया है जो कि पूरे मामले को देख रही है। ऐसे में जो प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां हैं उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उनको जुर्माना लगाया जा रहा है और कई इकाइयां ऐसी हैं जहाँ पर प्रदूषण फैलाया जा रहा था उनको प्रशासन द्वारा बंद भी कराया गया है। ऐसे में लगातार प्रशासन स्वास्थ्य विभाग प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है, लेकिन वो कदम जो है वो नाकाफी साबित हो रही है क्योंकि सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में पिछले 24 घंटे में एक्यूआई लेवल 382 के पार हो चुका है जो कि बेहद खतरनाक है। जी कविता शर्मा, अगर बात की जाए तो लगातार प्रदूषण के कहर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, हमारे दर्शकों को बताइए कि किस किस गाइडलाइन को फॉलो करके अपने प्रदूषण की चपेट में आने से अपने आप को रोक सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग ने लगातार लोगों को हिदायत दे रहा है कि जरूरी काम होने पर ही जो है घरों से बाहर निकले। ऐसे में
जो मौजूदा वातावरण सोनीपत का हो चुका है उसमें अगर एक्सपर्ट की माने तो ये जो मौजूदा हालात है, जो मौजूदा वातावरण है, ये इतना खतरनाक हो गया है कि अब स्वास्थ्य विभाग लोगों को N95 मास्क लगाने की भी सलाह दे रहा है, क्योंकि अगर लोग मास्क लगाकर चलते हैं तो वो इस जहरीली हवा के संपर्क में कम आएंगे। ऐसे में अब लोग जो है स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को फॉलो भी करते नजर आ रही है और सोनीपत में लोग जो है वो मास्क लगाकर जो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जो काम काज लोग हैं उन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है। वही जो बुजुर्ग है वो घरों में है, क्योंकि उनका ये लगातार ये कहना है कि बाहर की आबो हवा खराब हो चुकी है। ऐसे में बीमारी की चपेट में आने से बचने के लिए अब जो बुजुर्ग है वो घरों में रह रहे हैं। यही वजह है कि सोनीपत की सड़कें सुनसान है, पार्क सुनसान है और लोग जो है अब स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस की जो है वो पालना करते दिखाई दे रहे हैं। जी जी कविता शर्मा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।